हेलो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन बेल। जैसा कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ के एग्जाम होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे तैयार करें, और सभी स्टूडेंट के मन में होता है एक अच्छी रैंक लाएं। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुशील तिवारी जी, जिनकी रैंक सीएसआईआर नेट जेआरएफ है नवम्बर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 81 रैंक आई है और मार्क्स 119 थे। तो आज हमारे चैनल पर मिस्टर सुशील तिवारी गाइड करेंगे कि उनके मार्क्स इतने सारे कैसे आए और इतनी अच्छी रैंक कैसे आई। तो सुशील जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन वेल पर। थैंक यू विवेक। सुशील, हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने कैसे प्रिपरेशन करी जो आपकी रैंक इतनी अच्छी आई और मार्क्स भी इतने अच्छे आए? कुछ प्रिपरेशन का कुछ ऐसा है कि पहले तो आपको मतलब सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्या पूछते हैं, और एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, उसके अनुसार ही आप मतलब प्रिपरेशन करें। लाइक कि कुछ जो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है सी एस आर के एग्ज़ाम में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक टॉपिक भी हैं, सबसे पहले तो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ये टॉपिक तो मतलब आपको आना ही आना चाहिए अगर आपको मतलब सी एस आई आर क्लियर करना है। तो इसके अलावा फिर आप अगर अलजेब्रा या प्योर मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी देख सकते हो। अदरवाइज आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी देख सकते हो, जैसे ओडी, पीडी और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशंस। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि आपको सारे टॉपिक्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ इस पैटर्न में होता है कि आप मतलब आपके पास छोड़ने के ऑप्शन पर्याप्त होते हैं। जैसे कि तीन पार्ट में होता है, तो मैथमेटिकल साइंसेस का जो पेपर होता है उसमें आप पार्ट ए में देख सकते हैं कि आपको 20 में से मैक्सिमम आपको 15 ही अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, और पार्ट बी में मुझे लगता है 42 में से आप मैक्सिमम 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और पार्ट सी में तो मतलब 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप मैक्सिमम 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हमेशा होते हैं छोड़ने के बहुत ज़्यादा, लेकिन इसीलिए आपको मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ अपने सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ें पर वो अच्छे से पढ़ें, और उनकी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, एक ये बहुत बड़ी समस्या होती है, मतलब लोग तैयार भी कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, पर एग्जाम टाइप में स्ट्रेटजी अगर उनकी सही ना अपनाई गई या पैटर्न सही ना अपनाया गया तो वह एग्जाम डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज, आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी वहां एग्जाम टाइम पे, तो उसको प्लीज शेयर करें। हाँ, एक्चुअली जहाँ तक मैंने अपने मतलब फ्रेंड सर्कल में और जो खुद का एक्सपीरियंस है जो देखा है, कि जो पार्ट सी होता है उसमें मतलब मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, कि मतलब आपके जो आंसर्स हैं उसमें मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, और उनका उनके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है और आपको अटेम्प्ट तो 20 ही करने होते हैं, बट वहाँ पे सेलेक्ट करके 20 अटेम्प्ट करने, वो थोड़ा एक कठिन काम होता है। और मतलब बहुत लोगों का रिजल्ट मैंने रुकते देखा है पार्ट सी की वजह से, वहाँ पे वो लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं बट उनके गलती हो जाते हैं, लाइक कि मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं तो आपने हो सकता है एक ऑप्शन ज़्यादा लगा दिया या फिर एक कम लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब सिचुएशंस आते हैं कि पार्ट सी में इंसान अच्छा नहीं कर पाता। तो मतलब मेरे केस में भी ये हो रहा था कि मैं या तो पार्ट सी में अटेम्प्ट नहीं ले पाता था या अटेम्प्ट लेता था तो गलतियाँ हो जाती थी। तो मैंने मतलब पार्ट सी में ही सी से ही स्टार्ट किया, स्पेशली इस बार मतलब नवंबर वाले में पार्ट सी से ही स्टार्ट किया, कि पार्ट सी में मैंने मतलब पर्याप्त टाइम दिए, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया, और चुन चुन के मतलब 20 सवाल मैंने लगाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने पहले पार्ट ए और बी करके आप फिर पार्ट सी में आ रहे हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी थोड़ा सा थक जाता है, हल्का सा स्लो हो जाता है मुझे लगता है, और फिर आप सी में शायद उतना इफ़िशियंटली काम नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से आप सी से पहले शुरू करो। और हाँ, पार्ट ए को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, तो पार्ट ए को भी मतलब इग्नोर ना करो, एटलीस्ट आप 5-6 सवाल चुन के लगा सकते हो जो तुरंत लग जाएंगे आपके, और वो आपके मतलब बहुत अच्छी रैंक बूस्टर का काम कर सकते हैं वो 10 मार्क्स आपके। तो कुछ ऐसा है कि सी फिर ए फिर बी, मतलब ये मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, लोगों की अलग अलग भी हो सकती है। कुछ लोग बी से शुरू करते हैं फिर ए फिर सी, और कुछ लोग तो ए को देखते भी नहीं है, बी और सी में ही मतलब लगे रहते हैं पूरे टाइम। जैसे कि आपने अपनी बात करी, तो आपके हिसाब से आप किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, और अगर जैसे ज्यादा टाइम हो रहा हो तो स्किप कर देना चाहिए? मतलब
सेक्शन सी में मतलब मैं बोलूँगा कि डिपेंड करता है, आप 1 घंटे तो मतलब आप 1 घंटे में देख लो कि आप कितने सवाल कर पा रहे हो। अगर 1 घंटे में आपने 15 सवाल भी अटेम्प्ट कर लिए हैं सी में, 15, या फिर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 20 भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपका ये हो कि 1 घंटे 15 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए आपका सी और पार्ट। और उसके बाद फिर आप ए पार्ट में आए तो ए पार्ट में आप एटलीस्ट आधा घंटा जरूर दें। अगर आपने आधे घंटे अच्छे से दिए ना तो आप सेलेक्टिवली एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आप चूज करके कर ही सकते हो। और फिर आप पार्ट बी में आओ, और पार्ट बी में आप मतलब आप देखोगे कि पार्ट बी तक आते आते आपके पास शायद 1 घंटा ही बचा है, या हो सकता है उससे भी कम बचा हो। तो आप मतलब बस चुन चुन के जो इजी इजी सवाल है लगा दो, 10 15 16 जितने भी आप लगा पाओ। मतलब वो जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसमें लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस पर देखना ही नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और इंसान सवाल पढ़ता है और फिर उसको नहीं कर पाता तो टाइम चला जाता है ना। जैसा कि सुशील आपने बताया सी, और ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है ये ऐसा तो नहीं कि हम वहां जाकर के ही कर पाए, तो उस टाइम मैनेजमेंट को हम एग्जाम से पहले कैसे मैनेज करें और कॉन्फिडेंस हो उस एग्जाम में? हाँ एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास ऐसे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो आप 1-2 ईयर के क्वेश्चन आप मतलब खुद से घर पे टाइमर सेट करके आप लगाओ कि आप कितने टाइम में मतलब एक पूरा पेपर लगा पा रहे हो। 3 घंटे में आप लगा पा रहे हो तो आप कौन से सेक्शन में आपको कितना टाइम लग रहा है, या फिर कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, आपको उससे रियलाइज़ हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे में पूरा पेपर देख भी नहीं पा रहे हो, एक बार पूरे क्वेश्चन पे नज़र भी आपकी नहीं जा पा रही है, तो आपको देखना है कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये होता है, ये शुरू में सबके ही साथ होता है कि लोग पेपर मतलब पूरा अटेम्प्ट ही नहीं ले पाते या पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाते, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, मतलब आप प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा लो तो उससे काफी हेल्प मिल जाती है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ, और एक आप जनरली तो जो जी, बहुत सारी जगह तो लोग जो कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करते हैं उनके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है या फिर मॉडल पेपर होते हैं, तो आप उससे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं उनमें भी जाके। अच्छा सुशील, मेरा एक क्वेश्चन आपसे पर्सनल है, आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग लेना जरूरी होता है? जैसे मेरे केस में तो मैंने तो मतलब जेएम के टाइम में भी कोचिंग नहीं ली थी और ये जेआरएफ के लिए भी कोचिंग नहीं थी। हाँ लेकिन मैं जो नोट्स वगैरह पढ़ता था वो मोस्टली कोचिंग्स के थे, और जो कि ऑनलाइन आजकल अवेलेबल हैं कुछ साइट्स पे या बहुत सारे टेलीग्राम्स ग्रुप हैं, कहीं ना कहीं से आपको मतलब मिल जाता है या आपको फ्रेंड्स के थ्रू। तो मैंने ऐसा ही पढ़ा, मतलब खुद से ही प्रिपरेशन की है। तो मतलब मेरे लिए तो ये इसका आंसर सीधा सीधा है कि नहीं, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन और सुशील मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि हम लोग एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, अगर मान लो पहला ही क्वेश्चन हमने लगाया, देखने में लगा मुझे आता है पर मैंने लगाया और वो कहीं बीच में फंस गया, तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। तो इस सिचुएशन को हम वहां पर कैसे हैंडल करें जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज ना हो? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपने जो पहला क्वेश्चन चूज़ किया और वो अगर बन जाता है तो कॉन्फिडेंस मिलता है आगे बढ़ने में, लेकिन अगर आपने पहला ही क्वेश्चन चूज किया आपको लगता है कि हो जाएगा, बट आप काफ़ी टाइम देने के बाद हो सकता है कि आप 2-3 मिनट चले गए या 4-5 मिनट भी चला गया और आप नहीं कर पाए, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे जाता तो है। बट ऐसे केस में यही है कि आप उस क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके आप तो छोड़ दें, क्योंकि आप जब तक उसमें फंसे रहेंगे वो आपको फंसाए ही रहेगा। आप किसी दूसरे को इजी क्वेश्चन पे भी देख लें, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो इजी क्वेश्चन डेफिनेटली 5, 6, 7, 8 तो होते ही होते हैं, जो मतलब एक बार में देख के लग जाते हैं। तो आप प्लीज़ उस सवाल को छोड़ें और दूसरे क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि आप अभी अपनी आपने अभी पेपर जस्ट शुरू ही किया है तो आपका 4 या 5 मिनट ही गया है, आगे आपके अभी 2 घंटे और जो भी 55 मिनट आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप उधर देखें, उस गए हुए 5 मिनट पे ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, सुशील, अगर हम लोगों से कुछ रह गया हो, हमारे क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई हो, तो आप अगर अपनी तरफ से कुछ स्टूडेंट को बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने लगभग जो भी पॉसिबल क्वेश्चन से पूछे ही, बट मेरी तरफ से ये होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो स्पेशली पार्ट सी को मतलब थोड़ा सीरियसली ले लो, क्योंकि पार्ट सी के वजह से बहुत लोग रिजल्ट मैंने रुकते हुए देखे हैं, और बहुत लोग को मैंने देखा है कि अप्लाइड के कुछ होते हैं टॉपिक उसको लोग वो इग्नोर करके चलते हैं कि अप्लाइड मैथ्स नहीं लगाना है, स्पेशली जो प्योर मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो सोचते हैं कि प्योर इज़ इनफ,
और वो एक हद तक सही भी है, बट प्योर के सवाल कई बार थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं तो कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो आप अप्लाइड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े श्योर होते हैं, जैसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के एक या दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बन ही जाते हैं, मतलब पार्ट सी में भी या फिर पार्ट बी में भी, जो हाँ सिंगल करेक्ट होता है। तो ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और एक दो सवाल और ओडी पीडी के कुछ होते हैं जो बड़े ही सिंपल होते हैं, हम उन्हें देखते ही नहीं हैं, तो हम उन्हें इग्नोर ना करें, हम उन्हें पढ़ के जाएं जो कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन प्रिपरेशन कर प्रिपेयर करने में आपको एक दिन का टाइम भी नहीं लगेगा, आप एक दिन पढ़ोगे आपका पूरा वो टॉपिक ही कवर हो जाएगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। और इसी तरह आप इंटीग्रल इक्वेशन भी देख सकते हैं, उसके भी एक दो सवाल आप लगा ही लेंगे। तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस अप्लाइड पार्ट एज वेल एज दिस प्योर पार्ट। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सुशील, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को दिया। थैंक यू। थैंक यू विवेक।